is back and today I am here at a very luxurious property after Tri-City. जी हाँ, Tri-City का सबसे luxurious project मैं आई हूँ The Medallion में. ये located है sector 82A मोहाली में, जो कि बहुत ही posh area है guys. One of the top projects of Tri-City. Come, let's check it out. सेक्टर 82A में ही लोकेटेड है. अगर मैं इसके टोटल एरिया की बात करूं तो ये 8 acres में प्रोजेक्ट बिल्टअप है, जहां पे 5 acres की कंस्ट्रक्शन है एंड 3 acres इज डेडिकेटेड टू ओपन एरिया. अगर मैं यहाँ के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो S+23 के कॉन्सेप्ट से 9 towers तैयार किए गए हैं. तो गाइस, फ्रंट में आपका कमर्शियल एरिया रहने वाला है एंड पीछे रेजिडेंशियल. तो चलिए आज हम चेकआउट करेंगे द मेडालियन का सैम्पल फ्लैट, विच विल बी ऑफ 1995 square feet एंड ये 3 BHK का सैम्पल फ्लैट रहने वाला है. चलिए चेकआउट करते हैं. तो गाइस, हम आ गए द मेडालियन के कॉरिडोर में. आप देख सकते हैं कॉरिडोर से ही कितना लाविश है. जस्ट हैव अ लुक. अगर आप शैंडलियर पे देखेंगे, बहुत ही सुंदर शैंडलियर इन्होंने यहाँ पे लगाया है. जस्ट लुक एट द लैम्प्स, बहुत ही विंटेज लुक में बट काफ़ी रॉयल लुक दे रहे हैं. अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 lifts अवेलेबल होंगी, 2 staircases अवेलेबल होगी एंड हर फ्लोर पर 4 flats रहने वाले जो तीनों साइड ओपन होंगे. चलिए आगे चेकअप करते हैं. तो यहाँ आ जाती है हमारे सैम्पल फ्लैट की एंट्रेंस एंड आप डोर पे ही देख सकते हैं, डोर पे ही एक रॉयल्टी झलक रही है. जस्ट हैव अ लुक, जिन्होंने गोल्डन लुक में वर्क दिया है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रॉयल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि यहाँ पे थंबप्रिंट हो सकता है, कार्ड लग सकता है, डिजिटल एक्सेस हो सकता है. अलग तरीकों से आप अपना ये डोर खोल सकते हैं. चलिए अंदर चेकआउट करते हैं. तो गाइस, एंटर करते ही आपका देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका पूजा रूम, कम आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं. पूजा रूम टू मेंटेन द डिविनिटी ऑफ द होम एंड स्टोर रूम टू क्रम्बल अप एक्स्ट्रा. काफ़ी डिसेंट स्पेस है. आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिविंग स्पेस. आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. 8-seater सोफ़ा लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मूवेबल स्पेस है. बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है. आप यहाँ से डेफिनेटली कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं अपने फ्लैट को डेकोरेट करने के लिए. हैव अ लुक एट द शैंडलर. बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लग रहा है. जो इस प्रोजेक्ट की ग्रैंडियर है उसको मेंटेन करता है ये जो इन्होंने सैम्पल फ्लैट डेकोरेट किया है. वाकई बहुत ही सुंदर है. ऊपर आप देख रहे हैं आपको फॉल सीलिंग विद कंसील लाइटिंग्स एज इट इज़ मिलने वाली है हमारे लिविंग स्पेस की. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. विट्रीफाइड फ्लोरिंग में प्रोवाइड की है इन्होंने. यहाँ पे ये लगाया है बहुत ही सुंदर तरीके से LED. आप कुछ ऐसा ही यहाँ पर बनवा सकते हैं टू मेक योर फ्लैट मोर ब्यूटीफुल. यहाँ आ जाता है आपका डाइनिंग स्पेस एंड जितने रॉयल ये सोसाइटी है उतने ही रॉयल इन्होंने डाइनिंग लगाई है. आप देख सकते हैं, जस्ट लुक एट दीज ग्लासेस दीज प्लेट्स. बहुत ही रॉयल, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. ऊपर जिन्होंने लाइट वर्क किया है, जो बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स लगाई है, विच इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. Everything maintains a class here. Just have a look. हर चीज़ एक class को दर्शाता है. You can look at the mirror or this shelves that they have created. It's beautiful. आगे आ जाते हैं तो यहाँ आ जाता है हमारा किचन, द हार्ट ऑफ द होम. सो दिस एज आई टोल्ड यू द हार्ट ऑफ द होम किचन. ब्यूटिफुल इट इज़. आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. कम्प्लीटली मॉड्यूलर हॉब एंड चिमनी आपको प्रोवाइड की जा रही है. जस्ट लुक एट द लाइटिंग्स. बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स उन्होंने लगाई है. आप भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं एंड बहुत अच्छे से अरेंज किया है यहाँ पे चीज़ों को. आप भी कुछ ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पर आपको डुअल सिंक मिल रहा है, RO एंड गिज का प्रोविजन भी मिल रहा है एंड अ वेरी सॉफ्ट हाइड्रोलिक एंड वेरी ऑर्गेनाइज ऑफकोर्स. यहाँ आ जाती है आपकी बालकनी. दिस इज द बालकनी एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बीन बैग लगा सकते हैं एंड दिस बालकनी इज ऑल्सो अटैच्ड टू योर बेडरूम. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी विंडो क्रिएट किया इन्होंने बेडरूम के लिए एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस है. एक वॉशिंग एरिया भी इन्होंने प्रोवाइड किया सेपरेट. आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं.
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालकनी तो देख ली, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बेडरूम। बट उससे पहले एक नज़र एक स्पेशल चीज़ पर। आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी आपको ये क्रॉकरी एरिया दिया गया है, एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी आर एंटरिंग आवर फर्स्ट बेडरूम, कम ऑन। सो यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। एंड जस्ट हैव अ लुक, कितना सुंदर इन्होंने ये बनाया है। हर चीज़ बहुत ही एलिगेंट लग रही है। आप चाहे लाइटिंग्स पर नज़र डालें, चाहे आप फ्लोरिंग पर नज़र डालें, चाहे आप इन्होंने जो बैक पे पैनल वर्क किया है वुडन पैनल वर्क, इस पर नज़र डालें, एवरी थिंग इज़ ब्यूटिफुल, मेंटेन्स द क्लास। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बेड लगे होने के बावजूद दे हैव केप्ट फ्यू सीटिंग चेयर और सोफाज एंड काउचेज, एंड बहुत सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बड़ा सा LED लगाया, कुछ ऐसा ही आप लगा सकते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मूवी एंड पॉपकॉर्न इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने एक प्यारी सी शेल्फ क्रिएट की गई है एंड काफ़ी डेकोरेटिव पीसेस लगाए हैं। यू कैन मेक इट अ लिटिल मोर यूजफुल एंड यहाँ पर आप कुछ और भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग एंड कंसील लाइटिंग्स लगाई है, आप भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाता है हमारा अटैच्ड वॉशरूम विद अ क्लोज़ेट। सो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी सी वार्डरोब आपको प्रोवाइड की गई है, which is so spacious, everything completely organized, more like a dream wardrobe। आप देख सकते हैं shoes, clothes, coats, कुछ भी, हर चीज़ आपकी बहुत ही amazing तरीके से organized रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने shower enclosure लगाया है, आप भी कुछ ऐसा लगवा सकते हैं अपने washroom में। बाकी आपको washroom विद ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाला है, जी हाँ, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली है वॉशरूम में। आगे आप देख सकते हैं वैनिटी आपको एज इट इज प्रोवाइड होगी विद दिस वेरी यूनिक डिज़ाइन ऑफ द बेसिन। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम, कम ऑन। बट उससे पहले यहाँ पर आपका रहेगा कॉमन वॉशरूम जो आपके लिविंग स्पेस से अटैच्ड है। यहाँ पर आ जाइए। सो दिस इज द सेकेंड बेडरूम एंड इट्स अगेन एब्सोल्युटली स्टनिंग। या आप देख सकते हैं हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने जो काउच लगाया है बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी मूवेबल स्पेस है, आप यहाँ पर भी स्टडी टाइप्स कुछ लगवा सकते हैं। लुक एट द लाइटिंग्स, बहुत ही ग्रैंड है, आप भी कुछ ऐसा ही लगवा सकते हैं। इन्होंने अगर आप बेड के पीछे देखें पैनल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। हर चीज़ का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। यू कैन मेक इट as beautiful as this one or even more beautiful than this one। And यहाँ आपको बहुत ही बड़े सा UPVC window and door provide किया गया है। And this is the balcony जो आपकी attach रहेगी आपके third bedroom से। Now have a look, बहुत ही spacious balcony ये है, आप देख सकते हैं। बीन बैग लगाइए, झूले लगाइए, टेबल चेयर लगाइए, मेक अ कॉफ़ी डेट और अ रोमांटिक डिनर डेट, इट्स अप टू यू। एंड enjoy this beautiful space with a green view। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारे अटैच्ड वॉशरूम की तरफ, कम ऑन। ओके, सो दिस इज द ऑनसूट वॉशरूम। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। एंड वैनिटी बहुत ही ग्रैंड सी प्रोवाइड किए इन्होंने, ग्लास एंक्लोजर इन्होंने लगाया है, आप भी कुछ ऐसा लगवा सकते हो। वार्डरोब आप देख सकते हैं मोर लाइक अ ड्रीम वार्डरोब, मैंने पहले भी कहा था काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हैव अ लुक। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, एवरीथिंग कैन बी अरेंज्ड ब्यूटिफुली हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड बेडरूम एंड ये भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है। जो बाकी दो रूम्स है वो आपके मास्टर बेडरूम्स आते हैं दोनों। ये वाला आपका थोड़ा छोटा रूम है, तो ये आप इसको आप गेस्ट रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है इसको। हैव अ लुक एट दिस लाइटिंग्स, बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स है। यहाँ पर आपको वार्डरोब इन बिल्ट मिल रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जस्ट हैव अ लुक, एवरीथिंग कैन बी ऑर्गेनाइज ब्यूटिफुली हियर। यहाँ पर आपकी जो बालकनी है ये अटैच रहेगी आपके सेकेंड बेडरूम से, विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ।
ओके, सो दिस इज द वॉशरूम जो कि आपके लिविंग स्पेस से अटैच रहने वाला है अलॉन्ग विद योर बेडरूम. आप देख सकते हैं फुल लेंथ वॉल टाइल्स आपको मिल दी जा रही है, एंटीस्किड टाइल्स है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है एंड सारी ब्रांडेड फिटिंग्स है. तो आपको एज इट इज वॉशरूम्स प्रोवाइड होंगे ना, इजंट इट अमेजिंग. सो गाइज, ये देखा आपने 1995 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट द मेडालियन का 3 BHK में, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ दोस्तों, तो एमिनिटीज़ बहुत अमेजिंग है. क्लब हाउस यहाँ पे है 38,000 स्क्वायर फीट का, 1500 स्क्वायर फीट का यहाँ पे पूल है. तो बहुत ही अमेजिंग एमिनिटीज़ है. ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए. दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त सोनम साइनिंग ऑफ. सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो.